हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। इसे एक बार लगा लो, 80-85% तक पिंडलियों में दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन, बॉडी पेन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे आप मांसपेशियों में होने वाले दर्द, ऐंठन और पैरों में टांगों में होने वाला दर्द, पिंडलियों के दर्द को घर पर रहकर कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन इलाज से पहले आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिर शरीर में होने वाला ये मांसपेशियों का दर्द, अकड़न, जकड़न की समस्या होती क्यों है, इसके पीछे आखिर कारण क्या होते हैं। दोस्तों, जैसे शरीर में हड्डियां होती हैं, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों में दर्द का कारण शरीर में कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की कमी होता है, उसी तरह से मसल पेन यानी मांसपेशियों में दर्द, अकड़न रहना, पिंडलियों में दर्द रहना, पैरों के तलों में जलन होना, चुभन का एहसास होना, तो उसके पीछे क्या कारण है, इसका इलाज कैसे किया जाए, इसकी पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। दोस्तों, जब भी हमारी मांसपेशियाँ कमजोर हो जाती हैं, शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो इस तरह का दर्द होना शुरू हो जाता है। या फिर किसी दिन अचानक से ज्यादा शारीरिक मेहनत कर लेते हैं या भारी वजन उठा लेते हैं, तब भी शरीर में दर्द होता है, ऐंठन शुरू हो जाती है। अगर इस तरह का दर्द लगातार रहता हो तो उसकी वजह शरीर में ब्लड फ्लो अच्छे से ना होना है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा। शरीर के जिस हिस्से में नसें ब्लॉक हो जाती हैं, तो वहाँ पर खून प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाता, तो उस जगह पर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको बॉडी पेन हमेशा होता हो, शरीर के किसी भी अंग में दर्द उठता हो, मसल पेन रहता, तो इन बातों पर ध्यान आप जरूर दीजिए। सबसे पहली बात, कभी भी शरीर में पानी की कमी ना होने दें। शरीर में पानी की कमी होने पर यानी डिहाइड्रेशन होने पर मांसपेशियों में दर्द और अकड़न शुरू हो जाती है। जैसे किसी बंजर भूमि पर, वीरान भूमि पर दरारें पड़ जाती हैं, आपने देखा होगा, वैसे ही अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाए तो हमारे स्किन के टिश्यूज जो है उनमें परेशानी उत्पन्न होने लगती है। इसके साथ साथ हमारे शरीर में अगर इन तीन मिनरल की कमी रहती है तो मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, मांसपेशियों में दर्द उठने लगता है। ये तीन मिनरल है दोस्तों, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। इन मिनरल की कमी अपने शरीर में कभी ना होने दें, इसीलिए हमें जरूरत के हिसाब से कैल्शियम, पोटेशियम लेते रहना चाहिए। ऐसे में अगर आपको काफी समय से हाथ पैरों में दर्द रहता हो तो आप केला अपनी डाइट में शामिल कीजिए। रोजाना कम से कम 2 केले आप जरूर खाइए। साथ ही दोस्तों, केले के अंदर पोटेशियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा आप उबले हुए आलू खा सकते हैं। पालक को आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। किसी तरह से भी आप पालक का सेवन कर सकते हैं। आप उसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं, आप उसका सूप बनाकर ले सकते हैं, या फिर आप उसे जूस के रूप में भी पी सकते हैं। दूध से बनी चीजों का सेवन करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा थोड़ी सी मात्रा में गुड़ खाइए। ये गुड़ जो खाना है आपने, वो डार्क कलर का होना चाहिए, गाढ़े रंग का होना चाहिए। आप 10 ग्राम गुड़ रोजाना जरूर खाइए। इसमें भी काफी अच्छी मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। इसके अलावा आपने एक बीज को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना है दोस्तों, वो है कद्दू के बीज, जिसे पंपकिन सीड कहा जाता है। आपने इसकी मात्रा रोजाना सिर्फ 1 चम्मच लेनी है, इससे ज्यादा नहीं लेनी। आप इसे रोस्ट करके ले सकते हैं, पाउडर बनाकर दूध में मिक्स करके ले सकते हैं, या फिर पाउडर बनाकर आटे में मिक्स करके भी ले सकते हैं। कद्दू के बीज दोस्तों मांसपेशियों की जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए एक दवाई की तरह काम करते हैं। इसके साथ साथ आपको बादाम, अलसी, तिल, सूरजमुखी के ये बीज, ये अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए, क्योंकि इनमें भी अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है। ये मैं आपको जितनी भी चीजें बता रही हूँ दोस्तों, वो आपने रोजाना सारी नहीं खानी, इनमें से सिर्फ आपने एक दिन में सेवन करना है। यानी एक दिन आप एक चीज खा लीजिए, दूसरे दिन अलग चीज खा लीजिए, तीसरे दिन अलग चीज खा लीजिए। इस तरीके से आप अपनी डाइट में इसे शामिल कीजिए। इसके अलावा आप जानते ही हैं कि शरीर में किसी प्रकार की होने वाली कमजोरी और बीमारियां न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती है, या फिर हमारे खराब जीवन शैली, खराब गलत खान पान की वजह से होती है, तो आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। आइए अब जानते हैं ऐसी पावरफुल डाइट के बारे में जिसके सेवन से आप अपनी हड्डियों की कमजोरी को दूर करेंगे, मसल पेन की समस्या को दूर करेंगे, मसल में आपके आराम आ जाएगा। दोस्तों, घर पर आप चपाती तो बनाते ही होंगे, रोटी बनाते हैं ना, तो रोटी को पावरफुल बनाते हैं, न्यूट्रिशन वाली रोटी बनाते हैं जो जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द को दूर कर दे, मांसपेशियों के दर्द, टांगों में दर्द, पिंडलियों के दर्द या बॉडी में होने वाला कहीं भी दर्द है उसे दूर कर दे। तो चलिए जानते हैं इस रोटी को कैसे बनाना है। इसके लिए आपको चाहिए दोस्तों सफेद तिल,
नॉर्मल जो सफेद तेल होते हैं वो अपने लेने हैं। इसके अलावा दूसरी चीज जो हम ले रहे हैं दोस्तों वो है अलसी। तिल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, इसके अंदर गुड फैट होती है। अलसी के अंदर भी गुड फैट होती है, इसके अलावा इसके अंदर मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ये दोनों ही चीजें आपको किराने की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाएंगी, आपने इन्हें दोनों को बराबर की मात्रा में ले लेना है। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच तिल लिए हैं और 4 चम्मच ही मैंने अलसी ली है। इसके अलावा अगर आपको जोड़ों में घुटनों में दर्द बहुत दिनों से रहता है, सालों से रहता है, या फिर कभी कभार कमर में दर्द होता है, एड़ियों में दर्द होता है, सर्वाइकल पेन की समस्या है, तो आप अपने सभी घर के सदस्य को ये रोटी खाने के लिए जरूर दीजिए। अगर किसी इंसान को अर्थराइटिस की समस्या है तो आपने तिल और अलसी के साथ साथ मेथी को भी ऐड कर लेना है। एक्चुअली मेथी जो है वो बॉडी में से वायु और वात को दूर करने का काम करती है। दोस्तों जो ये हम रेसिपी बना रहे हैं इसका सेवन कोई भी कर सकता है, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी कर सकते हैं। अगर आपके घर पर कोई ऐसा इंसान है जो ज्यादातर बीमार रहता है, जल्दी बीमार पड़ जाता है, तो उसको भी इस रोटी का सेवन करने की सलाह जरूर दीजिए। लेकिन प्रेगनेंसी टाइम में इसका सेवन नहीं किया जाता, और जो बिल्कुल बेड रेस्ट पर है, जिनका चलना फिरना बिल्कुल दुभर हो चुका है, उन लोगों ने भी इसका सेवन नहीं करना, क्योंकि उनको ये रोटी डाइजेस्ट नहीं होगी। दोस्तों अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ आपने इन तीनों चीजों का सेवन करना कैसे है, यानी कि आटा गूंथते टाइम कैसे सेवन करना है। आपने 4 चम्मच तिल, 4 चम्मच अलसी और 1 चम्मच की मात्रा में मेथी दाने को रोस्ट कर लेना है तवे पर, हल्का हल्का बिना घी डाले, और ये जब हल्का सा ठंडा हो जाए तो इसका पाउडर बनाकर आप रख लीजिए। तो चलिए जानते हैं इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, इस पाउडर का। जैसे आप 4 लोगों की रोटी बना रहे हैं तो इतना मिश्रण आप जितना बताया गया है, यानी कि 4 चम्मच तिल, 4 चम्मच अलसी और 1 चम्मच मेथी दाना, इन तीनों चीजों का पाउडर आप आटे में गूंथ लीजिए और आटा गूंथकर 5 मिनट के लिए रख दीजिए। इसके बाद इसका सेवन आपने रोटी बनानी है और इसका सेवन करना है। दोस्तों अगर किसी भी इंसान के शरीर में कैल्शियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, पोटेशियम की कमी है, या जोड़ों के दर्द की शिकायत है, तो वो कभी नहीं होगी अगर हर एक इंसान ऐसी ही बनाई रोटी का सेवन करेगा। दोस्तों अगर जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, तलवों में दर्द या पिंडलियों में दर्द और इस तरह से पूरी बॉडी में दर्द रहता है तो वो भी दूर हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको रोजाना रात को सोने से पहले 1 गिलास हल्दी वाला दूध पीना है। ये दूध की आदत आप डाल ही लीजिए। बारिश के दिनों में तो जरूर पीजिए, ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, क्योंकि बारिश के दिनों में लोगों को बहुत जल्दी वायरल फीवर हो जाता है, जुकाम खांसी हो जाती है, तो जरूर लेना चाहिए। हल्दी वाला दूध पीने के बहुत सारे फायदे हैं। ये मसल पेन को दूर करता है, शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, इसके अलावा शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है उसको दूर करने का काम करता है। दोस्तों इस हल्दी वाले दूध को आप 1 दिन छोड़कर 1 दिन भी सेवन कर सकते हैं अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है। ये हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, अर्थराइटिस की समस्या को दूर करता है, जोड़ों में घुटनों में होने वाले दर्द को भी दूर करने में सहायक है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और चीज बता दूं, आयुर्वेद में कहा गया है जैसे कि पित्त के रोगों को दूर करना है तो देसी घी का इस्तेमाल कीजिए, कफ के रोगों को दूर करना है तो देसी शहद का इस्तेमाल कीजिए, वैसे ही वात के रोगों को, वायु के रोगों को अगर दूर करना है तो आपको तिल के तेल से मालिश करनी चाहिए। मालिश करने से, स्पेशली तिल के तेल से मालिश करने से वात रोग में काफी आराम मिलता है, दर्द में आराम मिलता है, सूजन में आराम मिलता है, और ये मालिश अगर रोजाना करते रहें या फिर 1 दिन छोड़कर भी 1 दिन अगर आप करते रहें, धूप में बैठे हैं उसके बाद, तो आपके जोड़ों का दर्द और घुटनों का दर्द चला जाता है। दोस्तों एक चीज का और ध्यान रखना है, खाने में आपने जिनको भी जोड़ों का दर्द रहता है, वात बॉडी में बढ़ती है, उन्होंने उड़द की दाल का सेवन नहीं करना। एक्चुअली उड़द की दाल के अंदर वायु वात बहुत ज्यादा होती है। ठंडी और खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना, और ऑयली फूड कम खाइए, मालिश करते रहिए और अपनी डाइट पर ध्यान जरूर दीजिए। दोस्तों ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।